hey guys what's up welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you now i ajay kumar your english teacher is going to continue the story a short monsoon diary written by ruskin bond chapter number 8 from honeydew book NCRT of class 8 now in the previous video of this chapter we have read till uh, october 3rd diary writing थर्ड अक्टूबर तक का जो डायरी राइटिंग है वो पढ़ा है नाविल स्टार्ट we'll हम लोग स्टार्ट uh, करेंगे आज दैट विल बी फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स जैन सो ये डायरी राइटिंग रस्किन बॉन्ड के द्वारा किया गया है एंड इट हैज़ बिन रिटर्न ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी द डेट इयर इज नॉट मैंसन ईयर नाउ लेट्स बिगिन विंटर रेंस इन हिल्स In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet. As I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window panes while the mist holds the house in a dark curse. Now let me explain you. I will be explaining you uh, in English as well as in Hindi both. So first we will go with the word meaning that is Hurst. Hold on. Hurst Here it is. Hurst. Hurst means very quiet and still. Drenched. Next is drenched. Drenched means uh, wet thoroughly or soak. Next is caress. Caress means touch gently. Caress. That is touch gently. Okay. Now let me explain. So in the month of January.

उनका घर बिल्कुल शांत था द फ्रेंड हु अकम्पनीड हिम अ वाइल अगो हैड ऑल्सो गॉन एक मित्र एक उनका साथी जो उनके साथ में रहा करता था वो भी कुछ देर पहले जा चुका था ही मेन्संस हाउ इट वॉज वेरी लोनली एंड क्वाइट एज ही सेट इन कंप्लीट साइलेंस एक्सपीरियंसिंग द साइलेंस विद इन वो इस बात को साथ ही साथ मेंशन करते हैं लिखते हैं कि कैसे वो खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे काफ़ी शांति से वो बैठे हुए थे और वो शांति ऐसी शांति थी जो उनको अपने अंदर से शांति महसूस हो रहा था काफ़ी नो लाइक इनर पीस जिसको बोलते हैं वैसा उनको महसूस हो रहा था ही वॉज सराउंडेड बाई द रिदम ऑफ रेन द स्लो एंड जेंटल

पत्तों के ऊपर जो वाटर का मूवमेंट था लेमन के ऊपर जो वाटर का मूवमेंट था रूफ के ऊपर जो वाटर का मूवमेंट था वो रेन का वाटर जो मूव कर रहा था उसको वो सुन सकते थे उसको वो महसूस कर सकते थे एंड ही ऑल्सो सेज कि चूंकि ये बारिश जो है पहले डलिया को ड्रेंच कर चुका था उसके ऊपर बरस चुका था विंडोज पेन को भिगा चुका था अब जो है मिस्ट की बारी थी कि वो पूरे एरिए को डार्कनेस में उसको घेर ले कवर कर ले बिकॉज यू कैन सी हियर इन द नो लाइक फिगर हाउ द मिस्ट यहां पे देखिए मिस्ट कैसे कवर कर रहा है सारे एरिया को आफ्टर द रेन नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट एज आई पॉज होल्ड ऑन जस्ट वन एज आई पॉज Near a window, the rain stops and starts again, and the trees no longer green but grey minance me with their loneliness. So, first of all, we'll do the I mean, word meaning minance. Minance means threaten. Okay, minance means threat or threaten. Now, in this पैरा द ऑथर सेज ही ऑथर वियर द विंडो वो विंडो के नजदीक में uh, खड़े होकर के यू uh, नो you know, कुछ देख रहे थे एंड दैट टाइम दिन स्टॉप्ड और फिर से बारिश शुरू होने लगा बारिश रुका और फिर से शुरू होने लगा सो द ऑथर मेन्संस वो मैंसन करते हैं कि वहाँ पे जो ट्रीज उन्होंने विंडो से बाहर देखा वो uh, नो वो ट्रीज बर्ड नाउ ग्रे वो अब ग्रे कलर का हो गया था उस पे की जो उस उस पेड़ की जो हरियाली थी वो अब धीरे धीरे जा रही थी वो ज्यादा ग्रीन नहीं रह गया था और यह एक तरीके से थ्रेड था थ्रेट फॉर वॉट नाउ इट वॉज थ्रेट दैट यू विल बी लोनली ने आप अकेले रह जाओगे इस इस बात का एक थ्रेट था इस बात का एक सिग्नल था ना विल रीड द डायरी ऑफ मार्च ट्वेंटी थर्ड late march end of winter the blackest cloud i have ever seen squatted over missouri and then it held marvels for an hour nothing like a hailstorm to the clear the sky even as i write i see a rainbow forming now in this uh, first of all we'll see the word meaning hailstorm ola bristi. जो ओला पड़ता है स्क्वेटेड स्क्वाटेड मतलब सेट बैठना ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन सो इन दिस मार्च ट्वेंटी थर्ड डायरी राइटिंग ऑथर बोलते हैं कि जब वो इस बार लेट uh, मार्च में जब डायरी लिख रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि ये जो मार्च है वो एक्चुअली एक मार्क्ड है एक मार्किंग है किस चीज की मार्किंग है कि अब विंटर सीजन खत्म हो चुका है यह सिग्नल है कि मार्च मंथ जो होता है सिग्नल होता है कि विंटर सीजन एंड हो चुका है इस बात का ये मार्किंग है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि ही रिकॉर्डेड सीन ब्लैकेस्ट एंड डार्केस्ट क्लाउड रेस्टिंग ओवर मसूरी उन्होंने अभी तक इतना काला और घनघोर बादल जो कि मसूरी के ऊपर मंडरा रहा था उसके ऊपर उन्होंने कभी नहीं देखा था सो दैट्स ही इज रिकॉर्डिंग विन दिस वन दिस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं देन ही सेज वो उसके बाद वो बोलता है कि इट पाउड हिल दैट लुक्ड लाइक मावल्स फॉर अबाउट एन आवर उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जो काला घनघोर बादल जो मसूरी के ऊपर मंडरा रहा था करीब थर्टी uh, मिनट्स uh, तक हाफ एन आवर तक जो है ऐसे बरसा ऐसे बरसा जैसे कि मानो मार्बल्स बरस रहे हो इस बात को उन्होंने इस तरीके से कंपेयर करके लिखा है बताया है उन्होंने रिवियल्स हाउ दे इज नथिंग लाइक हेल स्टॉम दैट क्लियर्स द स्काई और उन्होंने इस बात को जाहिर किया है कि ओला ओलावृष्टि ही एक ऐसा यू नो लाइक इंसिडेंट है जो स्काई को क्लियर कर सकता और ल स्टॉम के जैसा और कोई दूसरा इंसिडेंट नहीं है जो स्काई को क्लियर कर सकता है ही मैंसंस डेट इवन ही वॉज राइटिंग हिज डायरी वो साथ में ये भी बताते हैं कि जब वो डायरी लिख रहे थे तो uh, उनके पास में जो है रेनबो फॉर्म हो रहा था रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा था आई आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव सीन द रेनबो यू नो आफ्टर हैवी रेन सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स शॉर्ट मॉनसून डायरी रिटर्न बाई रस्किन बॉन्ड and now we'll go through uh, the comprehension check and few short question answer so let's begin with the comprehension check first when does the monsoon season begin and when does it end how do you prepare to face monsoon so uh, we'll see it hold on just one second so, the answer to this question is the monsoon season begins in the last week of June and continues till end of August. One generally prepares for the monsoon season by taking out raincoats and umbrellas. So, question 1 is गया. Now, we will see question number 2. Which illustration does the author describe in his diary entry? किस हिल स्टेशन के बारे में जो है ऑथर अपने डायरी एंट्री में लिखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द ऑथर डिस्क्राइब्स मॉनसून एंड सम पार्ट ऑफ द विंटर सीजन इन मसूरी एंड लैंड आर इन हिज डायरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर हाउ Many days does it rain without stopping? What does the author do on these days? This question ka answer, we will It rained for almost eight to nine days straight without a break. The author mentions that there was nowhere to go as he passed his time by pacing up and down in the room. And looking out of the window at a few bobbing umbrellas. Next question, we will looking. question number four. Where do the snakes and rodents take shelter? Why? This question ka answer: hoga. Snake, Snakes and rodents flood out of their holes and burrows to take shelter in roofs, attics, and go-downs. एज दे आर होल्स एंड बरोल्स गेट फील्ड विथ द वाटर ड्यू टू कंटिन्यूअस रेन इन द मानसून सीजन चूँकि उनका बरोज जो होता है या होल्स जो होता है वो भारी बारिश के कारण पानी से भर जाता है तो वो उससे निकल के बाहर कहीं भी शरण लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक यू कैन गिव इट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइए आई नो यू ऑल कैन आंसर दिस वन थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट वी विल डू दिस वर्किंग विथ टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री आई लिव ऑन यू पीपल टू डू

मार्किंग इट इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड आई एम रिपीटिंग द आंसर वंस अगेन द डेंस मिस्ड कवर द हिल्स मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड दूसरा द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं यहां से एज के बाद अ पैराडाइज दैट माइट है ंग द आंसर अ पैराडाइज दैट माइट है थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन फिलिंग द ब्लैंक बट हैड टू फ्ली वेन तो आई टेल यू द आंसर इसका आंसर आपको बता देता हूँ सक्सेसफुल के बाद इन इन के बाद लिफ्टिंग अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल फिर उसके बाद आपका वेन के बाद है के बाद वाला मैं बता दे रहा हूं आपको बिजूज मदर एप्रोच स्क्रीमिंग इम्प्लीकेश बिजूज मदर एप्रोच स्क्रीमिंग इम्प्लीकेश नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर द मिनी आर इज़ली नोटिस्ड बिकॉज द मिनी आर इज़ली नोटिस्ड बिकॉज आंसर मैं रिपीट कर दे रहा हूं दे आर ब्राइट रेड

Ground orchids, mauve ladies slipper, and the white butterfly orchids cover the grassy slope of landar. I'm repeating. Ground orchids, mauve ladies' finger, uh, ladies' slipper, and the white butterfly orchids cover the grassy slopes of landar. Next uh, question number six. During the monsoon season, snakes and rodents are found in roofs and attics because Because yeah see, their holes and burrows are filled with water Because their holes and burrows are filled with water So guys, we have done this all And uh, here are few other work working with language डाउन पावर फ्लर्ड्स मिस्ड क्लाउडी पाकर्ट्स कोल्ड अम्ब्रेला राइट तो ये आपको कुछ यहाँ पे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको एड एज मैनी एज वर्ड यू कैन डू टू दिस्ट यू कैन यू कैन टू दिस लिस्ट यू कैन एड टू दिस लिस्ट एंड कैन यू फाइंड अदर वर्ड सो ये आप कर सकते हैं इन योर नोट नोट बुक आप ये खुद से कर सकते हैं आई बिलीव यू विल बी डूइंग दिज ऑल थिंग्स दिस आर द ग्रामर पार्ट्स so we have actually uh, completed this chapter we have finished this chapter question answer and some other uh, important part of this uh, exercise now we'll uh, meet in the next video with new topic new chapter so till then bye take care and have a nice day thank you everyone